हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में धुंध और कोहरे की वजह से यमुना एक्सप्रेसवे पे एक के बाद एक गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे के कारण 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए जबकि 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। 7 घायलों में से 5 को आगरा के कृष्णा अस्पताल और 2 लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सादाबाद में भर्ती कराया गया है। आगरा भेजे गए घायलों में 3 की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। सुबह पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि करीब 7:15 बजे कोहरे की वजह से कुछ गाड़ियों का आपस में एक्सीडेंट हो गया है। सूचना का तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची, एम्बुलेंसेस को भी बुलाया गया और जो गाड़ियों का आपस में एक्सीडेंट हुआ था उनमें से घायलों को उतार कर तत्काल उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया है। मौके पर 2 लोग की डेथ जो है वो हो चुकी है दुर्घटना में, बाकी घायलों का उपचार चल रहा है। पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है तथा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर कितने वाहन भिड़े हैं आपस में? अभी तक जो सूचना है उसके हिसाब से करीब 7-8 वाहन जो है आपस में भिड़े हैं। हादसा हाथरस के थाना सादाबाद क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेसवे पर गांव मेड़ावली के पास घने कोहरे के कारण हुआ। टकराई गाड़ियां नोएडा से आगरा की तरफ जा रही थी। हादसे के बाद कई गाड़ियों के तो परखच्चे उड़ गए।